इसके फ्लेम को आप नोटिस कीजिए, ये किस कलर का फ्लेम है? व्हाइट, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, आप देख पा रहे हैं इसको। अब इसमें अब हम लोग पानी को ऐड करेंगे। जब पानी ऐड करेंगे इसमें, इस मैग्नीशियम रिबन के इस ऐश में, यहाँ देखिए इस ऐश को, इस मैग्नीशियम रिबन के जले हुए बचे हुए अवशेष में इसमें जब पानी ऐड करेंगे तो ये एक बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। और कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, क्या बनेगा इसमें, MgO में अगर आप H2O को ऐड करिएगा, MgO में अगर H2O को ऐड करिएगा, ये जो MgO बना है इस MgO में अगर हम लोग H2O को ऐड कर देते हैं तो ये बनता है MgOH whole 2, और इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग इसमें ये पानी ऐड करने वाले हैं। तो अब जो इसमें ये जो सॉल्यूशन बना है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, ठीक है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। अब इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम लोग फेनोल्थलिन इंडिकेटर को डालें, फेनोल्थलिन इंडिकेटर है इसमें, फेनोल्थलिन सॉल्यूशन को अगर हम लोग इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालेंगे तो देखते हैं क्या कलर चेंज होता है। और इस ये एक एसिड बेस इंडिकेटर है और इसके मदद से हम लोग को पता चलता है कि बना हुआ जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है। और अगर बना हुआ सब्सटेंस बेस होता है तो फेनोल्थलिन इंडिकेटर डालने पे कलर पिंक, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो पिंक से रेड कलर हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसा बेस बना है हमारा, ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इस फेनोल्थलिन इंडिकेटर को हम लोग इस पानी में ऐड करने वाले हैं, थोड़ा सा डालेंगे और कलर चेंज देखेंगे। तो आप इसमें इसका कलर चेंज को देख सकते हैं, ये किस कलर का हो गया है, डार्क पिंक। मतलब ये जो बना था आपका सॉल्यूशन, ये कौन सा सॉल्यूशन बना है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन।